University of Dubai. The University of Dubai is accredited university in the UAE, licensed nationally by the Ministry of Education and Islamic Research. UD become the first private universities in Dubai to hold AACSB international accreditation in 2009, as well as the first private university in the UAE to hold ABET CAC accreditation for its computing and information system BS program in 2006. The curriculum is aligned with the international professional certification bodies such as Institute of Leadership and Management ILM UK, which is awarded BBA HRM and BBA Leadership and HRM Graduate Level 5 and 7 Certificates. Discuss करते हैं इसकी इनकी requirement के बारे में. HSC Intermediate Student का minimum 65% के साथ complete करना बहुत ज़रूरी है. Then they are eligible. Indian School of Certification ISC के जो awarded student हैं उनको 55% भी अगर उन्होंने score किया then they are eligible. A levels वाले D या E भी अगर आपके पास है then still you are eligible to get the admission in this university. Undergraduate BBA and CIS के जो students हैं इस stream के लिए आप समझेंगे direct entry में 80% चाहिए होते हैं. तो जो मैंने requirement आपको बताई है you can choose any program in this university. जो program से वो भी आपको मैं नीचे भी बता देता हूँ. But BBA and CIS Computer Information System वाले students को एवरेज इंटरमीडिएट में 85-80% मार्क्स लेना बहुत जरूरी है. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जो है इसमें मैथ की रिक्वायरमेंट भी नेसेसरी है कि आपको मैथमेटिक्स भी आपके पास होना बहुत जरूरी है. फॉर बोथ प्रोग्राम आइल्स आपके पास ओवरऑल 5 होना बहुत जरूरी है. टॉफिल IBT 61 और PBT 500 होना चाहिए. SAT और मैथ प्लेसमेंट टेस्ट आपके पास 400 होना चाहिए. चाहे आपके पास मैथ प्लेसमेंट टेस्ट हो या SAT हो, दोनों में से कोई भी हो, आपके आपका ओवरऑल स्कोर 400 होना चाहिए. ये तो था अंडर ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 3.0 CGPA आउट ऑफ 4 होना बहुत जरूरी है. लाइक यू कैन गेट 70% मार्क्स आप कह लेंगे आपसे बच जाता है. स्पेशली इसमें ऑल बैचलर्स डिग्री जिसके अंदर आप समझें कि आपके मेजर प्रोग्राम्स के अंदर ही आप अगर आपने की है तो आप अपने रेलेवेंट फील्ड के मास्टर्स के लिए एनी प्रोग्राम यू कैन सिक्योर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. इसकी जो टॉफिल की रिक्वायरमेंट है टॉफिल PBT 550 और IBT 79 होना बहुत जरूरी है. आइल्स ओवरऑल 6 मांगा गया है पोस्ट ग्रेड के लिए. 2 years work experience is required for specialized MBA. Otherwise need नहीं है किसी अदर प्रोग्राम के लिए. अच्छा ये यूनिवर्सिटी PhD भी ऑफर करती है. PhD के लिए क्या है कि आपने मास्टर्स की डिग्री और इक्विवेलेंट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस रिलेटेड फील्ड में ही बेसिकली PhD ऑफर करती है और आपके पास मास्टर्स में ऑन एवरेज 3.0 CGPA होना बहुत ज़रूरी है. बाई कोर्स वर्क, कोर्स वर्क अगर आपने मास्टर्स किया और 3.0 CGPA है देन यू आर एलिजिबल टू सिक्योर एडमिशन इन PhD. और एटलीस्ट 3 years का टीचिंग और मैनेजर लेवल एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है टू गेट दी एडमिशन इन PhD फॉर BBA. लाइक बिजनेस स्टडीज में अगर आप कर रहे हैं इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है. टॉफिल 550 पेपर बेस्ड होना चाहिए. अगर IBT की बात करें तो 79 रिक्वायर्ड है. अगर IELTS ओवरऑल की बात करें तो 6.0 इन ईच कंपोनेंट और ओवरऑल भी होना बहुत ज़रूरी है. और PhD प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इसके प्रोग्राम्स के बारे में. बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की डिग्री ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, जिसमें अकाउंटिंग HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाइनेंस एंड बैंकिंग के प्रोग्राम मिल जाते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट मिल जाती है आपको. जस्ट सिंपल BBA मैनेजमेंट मिल जाएगा. सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक आपको बड़ा इजीली, मैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़ा इजीली मिल जाता है. मार्केटिंग और कस्टम, कस्टम के अंदर भी बेसिकली स्पेसिफिक BBA की डिग्री ये ऑफर कर रहे हैं. ये जो थे बिजनेस टीम. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर बात करें इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो दे डू ऑफर BS डिग्री बैचलर्स ऑफ साइंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाती है और इसके अलावा आपको कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपको जो है वो डिग्री मिल जाती है. और सिस्टम सिक्योरिटी CIS जो कि आपका प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मिल जाए. तो दे हैव वेरी लिमिटेड प्रोग्राम फॉर बैचलर्स डिग्री. ट्यूशन फी की बात करते हैं तो बिजनेस और सिस्टम सिक्योरिटी की जो डिग्री है वो 16,590 US पर एनएम पे ऑफर होती है दोनों प्रोग्राम्स की. आप कुछ भी ले लें, BBA ले लें, सिस्टम सिक्योरिटी का बैचलर्स ले लें, फीस विल रिमेन द सेम. पर अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री चूज करते हैं तो फीस विल बी $20,475 पर ईयर की इसकी फीस होती है. और इसके अलावा ये MBA पोस्ट ग्रेजुएट ये तो बैचलर्स था, MBA की डिग्री भी आपको ऑफर कर रही होती है जिसमें जनरल MBA 12 मंथ्स का भी मिल जाता है और स्पेशलाइज डबल मेजर 21 मंथ्स के अंदर भी आपको ऑफर कर रही होती हैं. इसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक, लीडरशिप एंड HRM मैनेजमेंट की डिग्री तमाम MBA के मेजर के साथ आपको मिल जाती है, जो कि ड्यूल अवार्ड की मैं आपसे बात कर रहा था कि 21 मंथ वाले प्रोग्राम की. मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री मिलती है, ये भी आपको 12 मंथ्स 1 ईयर की डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में जो है ना आपको मेजर मिल जाता है.
फाइनेंशियल क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो है मास्टर्स ऑफ लॉ के अंदर आपको मेजर मिल जाती है। मास्टर ऑफ डेटा साइंस की डिग्री भी आपको ये ऑफर करते हैं। इसकी जो ट्यूशन फीस है पोस्ट ग्रेड की जो MBA के प्रोग्राम है वो $19,800 पर NM पे ऑफर होता है। LLM का जो प्रोग्राम है वो $14,197 पर NM पे ऑफर होता है। ये दो गए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की ट्यूशन फीस और उनके प्रोग्राम्स। अब नज़र डालते हैं PhD प्रोग्राम पे। जो PhD प्रोग्राम है ये आपका 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। ये भी मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग के अंदर PhD ऑफर करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 3,000 AED अरब अमारती दरम है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। PhD प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो आप कह लें कि वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स की जो है वो ड्यूरेशन रहती है, जिसकी फीस आप कह लें कि अराउंड कोई 270,000 AED प्लस हो सकती है। डिपेंड करेगा मेजर एंड ड्यूरेशन के ऊपर, आप कितना ड्यूरेशन और किस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करें। इसकी फीस पड़ती है जो अच्छा ये प्लस टैक्स, आप समझेंगे ये जो मैंने 270,000 pounds बताई है ये विदाउट टैक्स इसकी आपकी फीस पड़ती है। टोटल इंटायर PhD 4 ईयर्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें टैक्स अलग उस गवर्नमेंट जो है वो ऐड करना है तो यूनिवर्सिटी ही बताएगी। इसकी जो की डेट्स है आप 2022 और 2023 के जो है PhD के प्रोग्राम्स आपके ओपन हैं यूनिवर्सिटी दुबई में। इसकी एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो 1st of October आप कह लें, एवरी ईयर मैंने देखा है कि वो ओपन हो जाती हैं। तो 2022 की 1st of October से ओपन हो जाएंगी। जो डेडलाइन है सबमिशन करने की, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मैंने तमाम डिटेल्स दी हुई, किसको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, किन से कॉन्टैक्ट करना है, किस ईमेल आईडी पे भरना है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 1 अगस्त के अंदर आप समझें कि इसकी डेडलाइन जो है वो क्लोज हो जाती हैं। तो आप समझें कि 22 और 23 के अंदर जो मैक्सिमम है वो 10 ही कैंडिडेट्स हैं। ये तमाम उनकी डिटेल्स उनके जो है अवेलेबल है मेरी स्क्रीन के ऊपर, जो आप देख सकते हैं कि जी क्या डेडलाइंस हैं, कब क्या चीज़ होनी है वो PhD। और बिसाइड दिस मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाके डिटेल सकून से अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। दे डू ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर हाई स्कूल, जो कि आउटसाइड UAE की बात कर रहा हूँ कि अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर दिया, उनको पार्शल स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। अब वो ग्रांट जो होती है आप समझेंगे इसके लिए आपको कोई सेपरेटली अप्लाई नहीं करना होता है, जस्ट सिंपल होता है कि आपको ऑटोमेटिक एडमिशन बेसिस के ऊपर आपको ग्रांट कर दी जाती है और ये हर एडमिशन लेने वाले बच्चे को मिल जाती है। अदर देन दिस तो सेकंड स्कॉलरशिप दे कॉल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है उसमें आप समझेंगे आपको ऑलमोस्ट पार्शली जो है वो 50% तक की डिडक्शन आपको मिल जाती है, और ये भी सिर्फ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिलती है। एवरेज आप कह लेंगे 90% अगर आपने मार्क्स अचीव किए हैं तो आप इस 50% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। थर्ड जो स्कॉलरशिप जो ऑफर करते हैं इसको कहते हैं ये पार्सल स्कॉलरशिप। पार्सल स्कॉलरशिप आपको मिलती है आपके SAT और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर, और ऑन एवरेज जो है आपने 70% मेंटेन करना है अपने उसके अपने अपने स्कूल्स के अंदर। सब समझे कि आपने अगर स्टडी में एडमिशन ले लिया है UD के अंदर, और फिर अगर आप अपना अपने सब्जेक्ट्स को मेंटेन करते हैं, अपने ग्रेड्स को मेंटेन करते हैं विद गुड CGPA, तो आप इस पार्सल स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com पे अवेलेबल है।